Hello and welcome. We're on the banks of the river Ganga in Prayagraj in Uttar Pradesh. And my guest on Jab We Met this morning is the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, BJP Senior Leader Keshav Prasad Maurya. Swagat hai aapka. Swagat aapka bhi hai. Aapki nagri Prayagraj mein. Ganga Maiya ke tat par. Ji, bahut bahut welcome hai aapka. Aur lag raha hai ki monsoon mein kaafi Ganga ji ka star badha bhi hua aur pani काफ़ी साफ भी लग रहा है पहले से। पानी सफा भी है, बढ़ा और अधिक था। हनुमान जी को नहलाने का काम भी किया गया था। हाँ। गंगा मैया हर वर्ष हनुमान जी को नहलाती हैं और जब हनुमान जी को नहलाती हैं तो कहते हैं कि वह वर्ष शुभ होता है। तो इस वर्ष गंगा मैया ने, यमुना मैया ने हनुमान जी को स्नान कराने का काम किया है। पूरा पानी से लबालब हो गया था, इधर तो बहुत कम हुआ है। कम ये साल वैसे भी खासा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी साल बड़ा विधानसभा चुनाव होने वाला है आपके राज्य में, तो आपको सारी विशेष चाहिए गंगा जी की? नहीं, गंगा मैया का आशीर्वाद तो चाहिए ही, क्योंकि मैं बिना आशीर्वाद मैया के हम लोग जो है अपनी नैया को पार होते नहीं देखते हैं। लेकिन इस साल नहीं है, वो अगले साल 2022 में। तो आपके हिसाब से पिछले 5 साल में जी कितना काम करा पाए हैं आप यहाँ पे इस इलाके में जहाँ पे कुंभ होता है? हम लोग नहीं कुछ करा पाए, कराया जो भी है गंगा मैया के आशीर्वाद से कराया है। क्योंकि प्रयागराज में 2019 का जो विशेष तौर से कुंभ का मेला हुआ, जिसमें 24 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, दिव्य और भव्य कुंभ हुआ, अविरल और निर्मल गंगा का प्रवाह हुआ। भी कुंभ मेला जब माघ का महीना होता है उस समय यहाँ पर होना, ये अपने आप में बड़ी, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और बहुत शानदार ढंग से गंगा मैया के आशीर्वाद से काशी से लेकर प्रयाग तक जगमग है। सर, यही वो प्रयागराज में गंगा जी का किनारा है जब कोविड का संक्रमण चल रहा था। देश भर ने, दुनिया भर ने देखी वो तस्वीरें जहाँ पे सैकड़ों जो लाशें थी लोगों को, उनको दफनाना पड़ा। कहीं ना कहीं कोविड महामारी में मिसमैनेजमेंट का जो चार्ज लगा वो भी एक बड़ा फैक्टर। ये साजिश थी, मतलब एक तरह से विपक्ष की साजिश थी कि इस प्रकार का प्रचार किया जाए। यद्यपि यह भी मैं आपको जानकारी दे दूँ, यहाँ संगम तट पर अंत्येष्टि संस्कार नहीं होता है। अंत्येष्टि संस्कार का स्थान दारागंज घाट है, फाफामऊ घाट है, रसूलाबाद घाट है, अलग अलग घाट हैं, लेकिन संगम तट पे अंत्येष्टि संस्कार नहीं होते। तो यहाँ पे जो दुष्प्रचार किया गया, वह जो लगातार अंत्येष्टि संस्कार के लिए लोग आते थे और होते थे, उसी क्रम में हो रहे थे। लेकिन नहीं सर, साधारण तौर पे लोग आते हैं, ये बात आपकी सही हाँ। है, लेकिन बहुत कम संख्या में आते हैं। जिस तरीके से तस्वीरें आई कि कई सारी लाशें एक साथ वहाँ पे जो रेत थी उसमें दफनाई जा रही थी, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे क्रिया कम करने के लिए। नहीं राहुल जी, आपको मैं आपको बता दूं, जानकारी नहीं है। मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूं। आज भी, अभी आप जाकर के देखेंगे तो आज भी वहां दर्जनों की संख्या में और लोग अंत्येष्टि के लिए आए होंगे। कोई जलाने का काम करता है, कोई दफनाने का काम करता है, जो जिस प्रकार से संतुष्ट होता है वो होता है। लेकिन सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि हम बहुत जल्दी ही एक इतना बड़ा अंत्येष्टि स्थल तैयार करेंगे, जहाँ लोग पैसे के अभाव में अगर अपने किसी परिजन के शव को, जिनको जलाना चाहिए, कोई छोटी आयु के होते हैं लोग उनको जलाते नहीं हैं, उनको दफनाते हैं। लेकिन जो बड़ी आयु के लोग होते हैं, कुछ लोग उनको दफनाते हैं, कुछ लोग उनको जलाते हैं। और दफनाने के पीछे का उद्देश्य ये रहता है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं गाँव में कि जब मेरे शरीर का अंत होगा तो उस समय मेरा शरीर और किसी के काम आ जाए। इसलिए जब बाढ़ आती है तो गंगा जी में समा करके, बह करके जाते हैं, तमाम जल जीव उनको ग्रहण कर लेते हैं, तो शरीर भी किसी और के काम पर। जिस तरह से सरकार डिनायल में लग रही थी, उसको देख के कुछ लोगों को लगा कि सरकार मान ही नहीं रही कि लोगों को क्या पीड़ा हो, क्योंकि आपको शायद, चूंकि आपका वीआईपी तंत्र इतना था, उस तरह की कोई असहूलियत नहीं हुई, तो लोगों को लगा कि कहीं एक गैप तो नहीं है कि सरकार जो सोच रही है और लोग जिस पीड़ा का सामना कर। मैं प्रयागराज का निवासी हूँ, मैंने कहा कि ये अफवाह है। और ये केवल इसलिए नहीं कि मैं आपके कैमरे के साथ बात कर रहा हूँ, वास्तविकता की धरातल पर असत्य है। आप प्रयागवासियों से प्रयाग आए हैं, आप फाफामऊ घाट जाइएगा, दारागंज घाट जाइएगा, जितनी संख्या में जो अंत्येष्टि के कार्यक्रम होते थे पहले, उतनी ही संख्या में लगभग होते थे। कोरोना कारण मौतें हुई हैं और जो मौतें हुई होंगी उनकी भी अंत्येष्टि संस्कार हुए, लेकिन वो अपने निर्धारित प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुए। मौर्य जी, एक जो बहुत बड़ा वायदा था बीजेपी की सरकार का, वो ये था कि गंगा जी का पानी आप पूरा साफ कर देंगे, कि पहले जिस तरह की गंगा जी हुआ करती थी, जिस तरह की मान्यता है, उसी तरह का निर्मल पानी आप दे पाएंगे। किस हद तक आपके हिसाब से आपका यह वायदा पूरा? यह तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, और उस संकल्प को सफल बनाने में
गंगा मैया कृपा कर रही हैं, हम लोगों को साथ दे रही हैं। इसके कारण आज हम ये कह सकते हैं कि जब से 2014 से केंद्र में हमारी सरकार आई और 2017 से प्रदेश में हमारी सरकार आई, लगातार हम लोगों ने माँ गंगा की अविरल और निर्मल धारा प्रवाहित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। यह हम नहीं कह सकते कि अभी पूरी तरह से हम साफ कर लिए हैं, लेकिन जो भी सफाई का काम शेष है उसे बहुत ईमानदारी के साथ पूरा करने का लगातार प्रयास। नहीं, मैं बचपन में आया करता था, हम लोग प्रयागराज में रहते थे, मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी, उसकी तुलना में तो साफ़ है, लेकिन अगर कोई कहे कि एकदम निर्मल और साफ हो गई है, पवित्र हो गई है 100% गंगा, तो वैसा नहीं हुआ है। गंगा नहीं, देश की सबसे बड़ी पवित्र नदी है, धार्मिक नदी है, और इतनी बड़ी नदी में अलग अलग स्थानों पर जो तमाम सारे गंदे नालों का पानी आता था उसको सबको ब्रेक किया गया है, और उसको ब्रेक करने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया गया है, उसके बाद ही गंगा जी में वो आता है। और आज परिस्थितियां बहुत बदली हुई हैं, हम ये मानते हैं कि हम 100% नहीं पूरा कर पाए, लेकिन अभी गंगा जी को हमने स्वच्छ कर दिया, हमने ये घोषणा नहीं की, हम स्वच्छ करेंगे, ईमानदारी के साथ स्वच्छ करेंगे, पूर्ण संकल्प के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं और उस कार्य को हम लोग कर रहे हैं। और यह हम ही नहीं कह रहे हैं, यह आम जनता, आप उत्तर प्रदेश प्रयागराज और प्रदेश और देश की जनता से, दुनिया की जनता से पूछेंगे तो प्रयागराज का जब कुंभ था क्या अविरल क्या निर्मल पवित्र धारा, जैसे हम लोग हरिद्वार में थे ऐसा प्रयागराज में देखने को। मम आत्मनः सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य कल्याणार्थम् आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यादि विद्यर्थम् श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त तंत्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम् मन इच्छा फल प्राप्त्यर्थम् कमंडल संभूते दंगे त्रिपथ कामनी त्रैलोक वंदिते देवी ग्रहणार्घम नमो। मौर्य जी, शूट तो हम तमाम करते हैं, लेकिन इस शूट की सबसे खास बात यह रही कि आपके साथ जब वी मेट के चक्कर में यहाँ संगम में स्नान करने का मौका मिला। ये तो मुझे भी आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपके कारण से शायद आज आने का, लेकिन जब माँ बुलाती हैं, बहाना कोई भी हो वो बहाना होता है, अन्यथा शायद आज जब हमारी सरकार के 4.5 साल उत्तर प्रदेश में पूरे हो रहे हैं, 19 सितंबर है, और आज हम शायद स्नान करने का है जो पवित्र मौका मिला है नहीं मिल पाता। मैं गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के सभी तीर्थराज प्रयाग के देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करता हूँ। कई दिन अर्घ नहीं दे पाते, आज मैंने प्रार्थना की है, प्रभु जो दिन कभी छूट जाता है उसको भी आज जो दे रहे हैं अर्घ उसको हर दिन के लिए स्वीकार मान करके अपनी कृपा बनाए रखें। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा हरि ओम। जय श्री त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग प्रकाशिनी सबको सुख देनी। सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि इस दफ़ा का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपके हिसाब से वो किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा? क्या आपको ये कॉन्फिडेंस है कि जो पिछले 4.5 साल में आपने काम किया है, अपने विकास के ट्रैक रिकॉर्ड पे आप चुनाव लड़ेंगे, या फिर चुनाव आते आते इसको फिर से हिंदू मुस्लिम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य एक रहता है, हम चुनाव को विकास के मुद्दे पर लड़ें, गरीब के मुद्दे पर लड़ें, किसान के मुद्दे पर लड़ें, क्योंकि इन सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और गुजरात में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और देश के जब प्रधानमंत्री बने तो वह विकास के मुद्दे पर बने, गरीब के मुद्दे पर बने, मातृशक्ति के उत्थान के संकल्प के मुद्दे पर बने। अब हम भी यही मुद्दा चाहते हैं, विपक्ष इस मुद्दे पर आना नहीं चाहता, इस मुद्दे से भाग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया नहीं है। हमारी सरकार ने इतना शानदार काम किया है, जिस काम पर जब जनता भी सवाल करेगी, हम नहीं, जनता सवाल करेगी, तुमने तो हमें रहने के लिए घर नहीं बनाया, हमारे घर के सामने शौचालय नहीं बनाया, हमारे घर में बिजली नहीं लगवाई, हमारे घर में बीमार था इलाज की व्यवस्था नहीं की, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं दी, हमें उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं दिया, तो ये सारे मुद्दे गरीब से जुड़े हुए हैं, किसान से जुड़े। आप ये कह रहे हैं, लेकिन अभी अगर पिछले ही कुछ दिनों के हम कैंपेन स्पीचेस को देख लें तो अब्बा जान, भाई जान, अम्मी जान, चचा जान, ये तो मतलब उसी दिशा में बढ़ता दिख रहा है मुझे चुनाव, और अभी तो कई महीने बचे हैं।
देखिए हमारी ओर से उस दिशा में नहीं बढ़ रहा। सर आप ही तो बढ़ा रहे हैं, आप ही के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जगह जगह जाकर ये अब्बा जान अब्बा जान तो उन्होंने ही स्टार्ट किया। श्री मुलायम सिंह यादव जी की जो आप बात कर रहे हैं, मैं पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में जब विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री था, 30 अक्टूबर 1990 का वह दृश्य हमने देखा है और उस दृश्य को हम भूल नहीं सकते। उस समय अगर कोई मुलायम सिंह यादव जी को मौलाना मुलायम सिंह जी कहता था तो बहुत प्रसन्न होते थे कि चलो मौलाना मुलायम सिंह कह रहे हैं, इससे हमारा जो तुष्टिकरण की राजनीति वो उसमें सफल होगी। ये समाजवादी पार्टी के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने उनको मौलाना मुलायम सिंह कहा जाता था और योगी आदित्यनाथ जी ने उनको मुला वो अब्बा जान कह दिया, तो ये कोई ऐसी बातें नहीं उत्तर प्रदेश की दृष्टि से कि जो बात कोई नई है और कोई ये मुद्दा बनाने का विषय है। ये तो वो चाहते हैं कि उनको कहा जाए, लेकिन हमारा लक्ष्य ये नहीं है। किस परिप्रेक्ष्य में योगी जी ने कहा है मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है और सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। केशव जी मुझे ये बताएं, जब आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते तो आप क्या करते? मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना जीवन मिला है उसका अधिक से अधिक सही तरीके से उपयोग किया जाए। तो जब खाली समय होता प्रयाग में रहता था तो यहाँ सेवा करता था। अब राजनीति के अंदर आने के बाद, सरकार में आने के बाद, तो हर समय सेवा का अवसर है। व्यक्ति करना चाहे तो, मैं प्रयाग में रहूं चाहे प्रदेश के किसी ज़िले में रहूं, तो जहां भी जाता हूं वहां लोगों की सेवा, लोगों के दुख, लोगों की पीड़ा, लोगों की समस्या दूर करना मैं अपना परम धर्म समझता हूं। और मतलब पॉलिटिक्स के अलावा और पब्लिक सर्विस के अलावा आप कुछ नहीं करते? प्राइवेट में आप क्या करते हैं? प्राइवेट में अब ऐसा कोई अलग से मेरा काम नहीं है। प्राइवेट में ये इतना कह सकते हैं कि भगवान का भजन जरूर करते हैं, पूजा जरूर करते हैं, अनुष्ठान जरूर करते हैं। ये वो अकबर का किला है? ये अकबर का नहीं है, ये सम्राट अशोक का किला है। ये अकबर का किला क्यों कहते हैं? ये चूंकि इतिहास में ऐसा लिख करके दे दिया गया है, सब मिटा दिया गया है हमको ना, क्या करते, नहीं तो संगम को भी कह देते कि ये इतिहास के में हमें गलत पढ़ाया गया। ये एक्चुअल में अकबर का किला नहीं है, एक्चुअल में गूगल में सर्च करिएगा तो आपको दिखाई देगा कितने, मतलब ये हिंदू राजाओं की परंपरा का किला है और इसको किस प्रकार से, और अकबर का किला बता करके और इसका पूरी तरह से एक तरह से प्रयागराज का इस्लामीकरण करने का काम किया। आज हम हनुमान जी के मंदिर में आ गए हैं। इसलिए हनुमान जी हमारे नगर के स्वामी हैं और उनकी बड़ी कृपा रहती है, भक्तराज हमारे लिए गौरव की बात। पूज्य महाराज जी, बहुत सारा स्नान करने के बाद मैंने कहा हनुमान जी महाराज का और आपका दर्शन। हाँ 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 आज सरकार के महाराज जी 4.5 वर्ष पूरे हुए हैं। आपको वाकई में लगता है कि कुछ काम हुआ है बीते 4.5 साल में? ये 4.5 साल में काम नहीं, विकास जितना मतलब अन्य सरकारों से तो ज़्यादा हुआ। कैसे, क्या हुआ? देखिए पहली बात, आप जाइए रोड सड़क देख लीजिए, आप गांव की सड़क देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए। हमारा कहना यह है कि गरीबों इस कोरोना काल में 4.5 साल जोड़ा आपने, 1 साल निकाल दिए कोरोना काल के लिए, अब बचा 3.5 साल और 3.5 साल में जो विकास भाजपा ने किया वास्तव में वह प्रशंसनीय भी है। और हम लोग संत महात्मा चाहते भी हैं कि विकास के साथ साथ धर्म को जोड़ना भी जरूरी होता है। जो हमारी परंपरा में सनातन परंपरा को लेकर चले वह सरकार अच्छी भी होती है और धर्म के प्रति वो डरती भी है, और जिन्हें धर्म को कोई डर ही नहीं है तो क्या करेगा? पर क्या साधु संतों का कोई पॉलिटिकल साइड लेना, कोई राजनीतिक पार्टी के पक्ष में इतने खुले तरीके से आना, क्या ये सही है? संत महात्मा हम लोग जब घर बार छोड़ के बनते हैं तो देश के लिए बनते हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए बनते हैं। और जो पार्टी कोई भी हो, अगर जो पार्टी हमारे धर्म की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए कार्य करती है उसके साथ संत महात्मा होते हैं। आज अगर और पार्टियां खुल के हमारे सनातन परंपरा का समर्थन करें, राम मंदिर का समर्थन पहले कोई किया नहीं, क्यों भाजपा छोड़ कर रहे हैं? नहीं, अब तो उनकी मजबूरी है। असली चीज़ क्या है? असली चीज़ जो शुरू से रहा वो असली है, और जो अभी जोड़ा हो तो नकली माना जाएगा। तो अब तो हम देख रहे हैं कि सारे राजनीतिक नेता यहाँ पे आ रहे हैं स्नान करने के लिए, अखिलेश जी भी आए थे। अब तो मतलब सभी कह रहे हैं कि जितने हिंदू केशव मौर्य जी हैं
और इनकी पार्टी है उतने तो हम भी रीति रिवाज करते हैं, नहीं, प्रार्थना पूजा करते हैं। देखिए अखिलेश जी से मेरा संबंध अच्छा है और रहेगा, लेकिन विचारधारा हमारी उनकी नहीं मिलेगी। सारे राज हमारे यहाँ सब आते हैं, सबको मैं दर्शन कराता हूँ, लेकिन विचारधारा हमारी तो बीजेपी से ही मिलेगी। इसलिए मिलेगी कि जहाँ संतों का सम्मान और जहाँ धर्म के लिए रक्षा है तो वो तैयार रहते हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। इनके नेताओं का जो संगम कुंभ स्नान है या दर्शन पूजन है, वो चुनावी स्नान है, चुनावी दर्शन पूजन है, वास्तविकता की धरातल पर सच्चाई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रयागराज एक VVIP कंस्टिट्यूएंसी है, पर जब हम लोग एयरपोर्ट से आ रहे थे, बाकी जगह पे भी जा रहे थे, अभी भी सड़कों पे बहुत खड्डे वड्डे हैं। कितना काम हुआ है यहाँ पर विकास? नहीं, विकास की दृष्टि से प्रयागराज में ऐतिहासिक काम हुआ है। यहाँ का बच्चा बच्चा आपको बोलेगा, अभी जो यहाँ पर मैं जहाँ से चल रहा हूँ, ये यहाँ का बक्सी बांध दो रेलवे क्रॉसिंग को पास करके रेलवे ऊपरगामी सेतु बन रहा है, और यह जो ROV बन रहा है, इस ROV के बनने से संगम क्षेत्र में जाने वाले, जब कुंभ मेला होता है, जब माघ मेला होता है, जब करोड़ों लोग आते हैं, तो बहुत असुविधा होती थी। फाटक एक बार बंद हो गया तो मतलब इतनी लंबी लाइनें लगती थी, तो यह एक बड़ा काम हो रहा है और हमारा प्रयास है कि इसको हम नवंबर दिसंबर तक इसका लोकार्पण कर देंगे और जनता की सेवा में। पर अभी भी सड़कें जो हैं प्रयाग की, तो बहुत हाई क्वालिटी की नहीं है देखा जाए तो? नहीं, सड़कें प्रयागराज के जो मुख्य मार्ग हैं उनका हमने बहुत चौड़ीकरण, बहुत सुदृढ़ीकरण किया है, और वर्षा काल जब आता है तो उसमें कुछ कहीं कहीं गड्ढे होते हैं। जैसे इस बार बाढ़ आई, कई दिन तक लगातार वर्षा हुई है, तो कहीं दो चार खड्डे जरूर मिल गए होंगे। अब तो फिर से आना पड़ेगा बारिश के बाद, तभी पता चलेगा। आप आइए, आप तो खड्डे हैं, आप कह रहे हैं बारिश हो रही है इसलिए आपको मैं अभी आपको ऐसी रोडें दिखाऊंगा, आप देख करके दिल्ली की रोड है कि न्यूयॉर्क की रोड है कि प्रयाग की रोड है, आप इसका अंतर नहीं कर पाएंगे। हमने प्रयागराज को बहुत सजाया है, बहुत विकसित किया है, और हमारी कोशिश अभी लगातार विकास यात्रा जारी है। प्रयागराज का रिंग रोड बन रहा है, प्रयागराज में फाफा मऊ में 6 लेन एक हमारा फ्लाईओवर बन, वो आरो गंगा सेतु बन रहा है, एक हमारा संगवेरपुर में 4 लेन का सेतु बनने जा रहा है, मतलब बहुत काम हुए हैं। जो अभी हम लोग ये जो ROV बना रहे हैं, इसको हम लोगों ने जो शिलान्यास किया था पिछले वर्ष नवंबर में किया था, एक बार मैंने विजिट भी किया है। ये ROV हमारा बड़ा ऐतिहासिक ROV है। इसके बनने से यह पूरा क्षेत्र, एक तरह से कह लीजिए कि कुंभ मेला क्षेत्र से, संगम क्षेत्र से, माघ मेला क्षेत्र से पूरा कनेक्ट हो जाएगा, और इसे हम नवंबर तक इसको कंप्लीट करके देंगे ना। नवंबर तक देंगे, हाँ नवंबर तक, नवंबर में हम इसको बना करके देंगे। इसी नवंबर में सितंबर में बैठे, हम निश्चित तौर से पूरा काम हो चुका है, काम हो गया, ये नवंबर तक बनता है, चल रहा है, मतलब काम चल रहा है। नवंबर में आप अगर आना चाहेंगे तो हम आपको बुलाना चाहेंगे। मुझे लगा कि आप अगले नवंबर की बात। नहीं, मैं नवंबर 2021 की बात कर रहा हूँ, 22 की बात भी नहीं कर रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस चीज का शिलान्यास करना होता है उसका उद्घाटन भी करना होता है। जो उद्घाटन हम 2022 से पहले कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, और गुणवत्तापूर्ण ढंग से बना रहे हैं, और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग। क्या हाल है? ठीक है। सबको राम राम, जय श्री राम। तो गंगा जी के स्नान के बाद अब तो नाश्ते का टाइम हो गया है। निश्चित नाश्ते टाइम हो गया है। हम लेकर आए आपको नेत्राम मूलचंद एंडरसन से, यहाँ की प्रसिद्ध और सैकड़ों वर्ष मेरे हिसाब से पुरानी दुकान है, जो पूरे प्रयागराज के लोगों के सुबह के नाश्ते का ऐसा केंद्र है, या तो आके करते हैं या तो मंगा करके लोग करते हैं। केशव मौर्य जी, इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा ये रहने वाला है कि क्या उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं, क्या कुछ हद तक ब्राह्मण वोट जो कि बीजेपी के लिए बड़ी तादाद में पड़ता था बीते चुनावों में, क्या वो कुछ हटेगा और दूसरी पार्टियों की तरफ जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि किसी पार्टी ने ऐसा कोई काम किया है कि जिसके कारण से ब्राह्मण या कोई भी समुदाय जो भाजपा के साथ था और वो भाजपा से दूर जाएगा। 2014 में
जब हम चुनाव लड़े थे 73 सांसद जरूर जीते थे, लेकिन 2019 में हम 64 जीते लेकिन 51% वोट पाए थे। आज हम 60% वोट के लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं, तो उसमें सबका अगर साथ नहीं मिलेगा तो हम ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। आज समाज का सभी वर्ग हमसे जुड़ा है, क्योंकि ये जो आरोप बार बार बीजेपी की सरकार पे लगता है कि चीफ मिनिस्टर और जो प्रशासन है वो ठाकुरों के पक्ष में थोड़ा रहता है, और इससे ब्राह्मण समाज खास तौर से नाराज है। क्योंकि ये बहुत सरल आरोप है, किसी के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा देना, मुझे नहीं लगता है कि सरकार हमारी सबको साथ में लेकर के चल रही है। सरकार के अंदर सभी प्रकार के एक तरह से कह लिए सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता है। सर क्या खिला रहे हैं बताइए तो सही, क्या सर क्या सब्जी खिला रहे हैं साहब? क्या बात, तो ये प्रयाग की मशहूर कचौड़ी सब्जी है? हाँ निश्चित तौर से बहुत मशहूर है। सर कैसी चल रही है आपकी बिक्री? अच्छी चल रही है, ठीक है। कोरोना काल क्या बिजनेस में वृद्धि हुई है कि अभी नहीं? नहीं नहीं हुई नहीं। क्यों डाउन है? कोरोना की वजह से बहुत आदमी डरता भी है और उसके बाद कुछ संकोच के कारण भी नहीं लेता सामान। तो कितना डाउन है पहले की तुलना में बिजनेस? पहले के हिसाब से 40% डाउन है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए भी मौर्य जी, कि यहाँ का जो बिजनेस है, खासतौर से जो लघु बिजनेस है, छोटी दुकानें हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। नहीं ये चिंता का विषय है, महामारी के कारण सरकार का लगभग 1.5 साल हमारा खराब हुआ है, लेकिन व्यवसायिक गतिविधियाँ फिर से पटरी पर आ रही हैं। ये तो बोल रहे हैं 40% अभी भी डाउन है बिजनेस, अब धीरे धीरे उभर रहा है, अभी तो लॉकडाउन हटा है। आपका एक बड़ा चैलेंज था कि उत्तर प्रदेश में बिजनेस आए, हाँ। उस दिशा में कितने एक्चुअल स्टेप्स आप ले पाए? देखिए 4 लाख करोड़ से अधिक की राशि के हम लोगों के MU हुए थे और 3 लाख करोड़ से अधिक के जो हमारे MU हैं वो धरातल पे उतर गए, चाहे निवेश का मामला हो, चाहे सरकार के द्वारा दी जाने वाली नौकरियों का मामला हो, चाहे प्रदेश के अंदर ही व्यापार में वृद्धि का मामला हो, हर क्षेत्र में सरकार ने पूरी मदद की है, काम किया है। पर अभी भी जो नॉन रेजिडेंट यूपी वाले बिजनेसमैन हैं, जो बॉम्बे चले गए, कहीं और चले गए, उनसे जब बात करो तो वो ज्यादा उत्साहित नहीं है वापस आने को लेकर, कह रहे हैं लेकिन अभी इस समय पूरे देश में उत्साह है, और जो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है और अगर किसी दूसरे प्रदेश में काम कर रहा है तो यूपी में आकर के काम करना चाहता है, और बहुत बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है, इसके कारण से हमारे यहाँ निवेश भी बढ़ रहा है। आपको जम रही है नेकराम की कचौरी की नहीं? मैं बहुत बार खाता हूँ। जब आप इस चुनाव को देखते हो आपके हिसाब से क्या चीज़ें हैं जो बिगड़ सकती हैं, जो कि चुनाव के समीकरण को बदल सकती है? देखिए मुझे विपक्ष में इतनी ताकत नहीं दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रच सकते हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, परिणाम नहीं पाएंगे। हमारा संगठन बूथ तक बहुत मजबूत है और संगठन की मजबूती ही हमारे विजय का आधार बनती है। विपक्ष ने ये आरोप लगाना स्टार्ट किया है कि आप लोग राम मंदिर के निर्माण को आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं ताकि चुनाव की जैसे जैसे कैलेंडर चढ़ती रहे आप दिखाते रहें कि काम हो रहा है, काम जिस स्पीड से हो सकता है काम। सरकार का काम नहीं है, उसके लिए मंदिर निर्माण समिति है, ट्रस्ट है, वो बना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मंदिर 1 साल 2 साल के लिए नहीं बन रहा है, हजारों साल के लिए बन रहा है और गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनना चाहिए। और मैं तो जो राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के लोग हैं, निर्माण समिति के लोग हैं, उनको बधाई देता हूँ कि गुणवत्ता का वो ध्यान दे रहे हैं, जिससे आने वाली बहुत सारी पीढ़ियाँ उस मंदिर को देख पाएंगी, दर्शन कर पाएंगे। ये बड़ी चर्चा होती है केशव मौर्य जी की, आपका और CM का रिश्ता जो है उसमें थोड़ी सी खटास सी रहती है, थोड़ा एक स्पर्धा सी भावना रहती है। चर्चा थोड़ा सा हमारे विपक्षी लोग करते हैं, थोड़ा सा आज सब हमारे मीडिया के मित्र लोग करते हैं, हाँ। मेरे और योगी जी में कोई खटास नहीं है। आज सरकार के 4.5 साल पूरे हो रहे हैं, साथ साथ मिलकर काम किए हैं, साथ साथ उत्तर प्रदेश का विकास किए हैं। पर कहीं ना कहीं लाजमी भी है, क्योंकि 2017 के चुनाव से पहले आपको प्रोजेक्ट किया गया था पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पे, माना ये जा रहा था कि CM आप बनेंगे अगर जीत होती है, फिर योगी जी आ गए, तो कहीं ना कहीं स्पर्धा काफ़ी नेचुरल। मैं ये नहीं मान रहा था, आप लोग मान रहे होंगे या कोई और मान रहा होगा, मैं तो संगठन का व्यक्ति हूँ और संगठन जो आदेश देता है उस काम को करता हूँ और वही काम कर रहा हूँ, और हमारे और योगी जी के बीच में कोई मतभेद नहीं था, नहीं है, ना होगा। क्या ये एक मुद्दा है नॉन यादव OBCs के लिए कि आपने हमें शक्ल दिखाई केशव मौर्य की, वोट दिलवाया,
शक्ल दिखा के केशव मौर्य की? ये मुद्दा नहीं, चूंकि जो मुद्दा बना रहे हैं उन्होंने सदा भेदभाव किया है। श्री अखिलेश यादव हों, मायावती जी हों, इन लोगों ने कभी भी अति पीछे और अति दलित वर्ग से जो तमाम सारे लोग आते हैं उनको ऐसा कोई मौका नहीं दिया जिसके आधार पर ये दावे कर सके। जब इनका बहुमत है तब कुछ किए नहीं, अब सत्ता से बेदखल हैं और आने की संभावना नहीं है तो फर्जी वादे कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से बीजेपी का इस इलेक्शन में एक्चुअल कंपटीशन किस से है, सपा से बसपा से? मेरे हिसाब से कंपटीशन में कोई नहीं है। 2017 की स्थिति में विपक्ष है क्योंकि 2019 में इन्होंने अपनी ताकत जो है एक साथ लड़के भी देख ली है, तब भी हम 64 सांसद यहाँ जीते, 51% वो मोदी जी का चुनाव था 2019। मोदी जी तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। हमने देखा है कि असेंबली इलेक्शन अलग चला जाता है, लोकसभा का इलेक्शन अलग होता है। लड़ने के लिए हम इसलिए तैयार रहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में विकास किया है, जातिवाद का अंत किया है, गुंडागर्दी पर लगाम लगाने का काम किया है, उसका हमें लाभ मिला है। केशव मौर्य जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने सुबह बिताई, आपने जब वी मेट के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।